हेलो दोस्तों, और आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही जरूरी और सेंसिटिव मुद्दे के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और इसी के साथ मैं आपको अपने साथ हुए एक पर्सनल हादसे को भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 कुछ दिनों में जाने वाला है। हाँ, जाए पहली फुर्सत में हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी के साथ क्या आएगा 2021, और उसके साथ क्या आएगा न्यू ईयर। न्यू ईयर के साथ क्या आता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। और इस बार के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में जो एक बात जो सबके साथ कॉमन रहेगी वो है हैशटैग बैक इन शेप, क्योंकि जो बच्चे हॉस्टल से पूरी बन के गए थे वो घर पे खा खा के भटूरा हो गए हैं। अब उनको फिर से वही अपने शेप को रीगेन करना है, और फिर से सोशल मीडिया पे वही अंडरडॉग वाली तस्वीरें तैरने लगेंगी कि पहले मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हो गई। लेकिन यही जोश और यही डेडिकेशन जो भारतीय युवाओं में साल के शुरुआती 10 दिनों में देखने को मिलता है, इसी का फायदा उठाते हैं अपने जाल में फंसाने के लिए वो हैं जिम ओनर। वो आपको अपने जाल में फंसाने के लिए आपको एक ऑफर देंगे, एक लालच देंगे। वो कहेंगे कि आओ आप हमारे यहां, आप साल भर का पैसा एक बार जमा करो और आप साल भर जिम कर लेना। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि साल भर का मेंबरशिप लेते तो सभी हैं पर करता कोई नहीं है। तो इसलिए ऐसे बहकावे में ना आए, और ये जो जोश और डेडिकेशन जो आपके साल के शुरुआती में आया है, इसको आप, मेरे हिसाब से मैं अपने तरीके बता रहा हूं कि आप पहले 3 दिन टेस्ट करें। आप बैठें, आप देखें कि आपके औकात में है या आपके औकात से बाहर है। क्योंकि अगर आपके औकात में है तो आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, क्या पता आपका पेट अंदर हो ना हो, ये जोश और ये डेडिकेशन आपके अंदर चला जाए। तो दोस्तों, बस मैं यही चाहता था कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ न हो, क्योंकि सावधान रहना, सतर्क रहना और सतर्क करना, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फर्ज है। तो ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश। और अब मैं अपने साथ हुए एक पर्सनल इंसिडेंट को शेयर करने वाला हूं कि ऐसे ही पिछले साल ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था। तो दोस्तों ने कहा कि अबे तेरा पेट निकल रहा है, तेरी हाइट अच्छी है, तू स्पोर्ट्समैन है, तू अगर जिम करेगा तो तेरे पैक निकल जाएंगे, ये वो, मतलब कतई जहर लगेगा ये वो। तो मैं भी हो गया भटूरे की तरह, फूल गया और मैं गया जिम। मैंने कहा मुझे ऑफर दो, मेंबरशिप ऑफर करो। तो उन्होंने कहा तू साल भर का ले। मैंने कहा मुझे ऐसा क्यों स्पेशल? तो कहा क्योंकि तेरे शक्ल पे दिख रहा है कि तेरा कटेगा। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने कहा लो भाई पैसे लो, मैंने कहा ये लो जमीन का कागज वगैरह, मैंने सब कुछ दे दिए। उन्होंने कहा ये ले साल भर का ऑफर। मैं घर आया, मैंने नए जूते खरीदे, मैंने सब कुछ खरीदा, मैंने नया लोअर खरीदा, मैंने टी शर्ट खरीदा, सब कुछ खरीद लिया। लेकिन एक चीज जो नहीं खरीदा जा सकता है वो जोश, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, जो मैं पता नहीं भूल गया था कि ये भी चीज जरूरी होता है। और हुआ वही जिसको सबको डर था, जिसका सबको खौफ था कि मैंने जिम का मेंबरशिप लिया तो, लेकिन मैं गया नहीं। तो इसीलिए मैं देश के युवाओं से ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये जोश और डेडिकेशन, जो कि बहुत अच्छी चीज है, इसको ऐसे वेस्ट ना करें और इसको सही जगह पे लगाएं। तो बस इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। जिसको अच्छा लगा हो शेयर करिए, नहीं अच्छा लगा हो जिसको मानना है माने, और नहीं मानना है उनके लिए बस मैं यही कहना चाहता हूं मत मान। तो होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।